उदाहरण 7, BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा त्रिभुज में कोण A समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि 4 गुणा BL का वर्ग धन CM का वर्ग बराबर 5 BC का वर्ग। बच्चों, चलिए अब हम उदाहरण 7 हल करते हैं। उदाहरण 7 में हमसे एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात की जा रही है और यहाँ दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A पर समकोण है और इस त्रिभुज में BL और CM दो इसकी माध्यिकाएं हैं। माध्यिका का मतलब आप समझते हैं कि बिंदु M AB का मध्य बिंदु है और CM को मिलाया गया है। ठीक उसी तरह से बिंदु L CA का मध्य बिंदु है और BL को मिलाया गया है, तो BL और CM इस त्रिभुज की दो माध्यिकाएं हैं। तो इस जानकारी के आधार पर हमें सिद्ध करना है कि BL वर्ग धन CM वर्ग और पूरे का 4 गुना यानी 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर है 5 BC स्क्वायर के, यानी इस त्रिभुज का जो विकर्ण है आप देख रहे हैं समकोण के सामने की बजाय BC, इसके वर्ग का 5 गुना दोनों माध्यिकाओं के वर्ग के योग के 4 गुने के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इन जानकारियों के आधार पर हम इसको सिद्ध करते हैं। आप देखेंगे बहुत ही आसानी से ये बात सिद्ध होती है। यहाँ देखने में लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल है लेकिन आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। बस देखते जाइए कि जो चीज़ें आपके पास हैं उसके आधार पर आप क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A समकोण है, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि BC इसका विकर्ण है, और पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय के आधार पर आप कह सकते हैं कि BC का वर्ग बराबर है AC के वर्ग धन AB के वर्ग के बराबर। तो ये जो जानकारियां हमें दी हुई हैं उसको अप्रत्यक्ष रूप से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हमें प्राप्त है या हमें मालूम है, हमें मालूम है कि जो जानकारी हमें दी हुई है उसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि विकर्ण BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AC का वर्ग। तो इसका हमको आगे उपयोग करना होगा, इसको हम लिख लें AB वर्ग धन AC का वर्ग। ये चीज़ें हमें दी हुई है तो जो प्राप्त है उसके अर्थ को हम लिख लें, इसे आप कथन एक कह दें। और दूसरी चीज़, जब हमको ये कहा जा रहा है कि BL माध्यिका है यानी कि L AC का मध्य बिंदु है, तो L यदि AC का मध्य बिंदु है तो आप AL को AC का आधा कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि AL बराबर 1/2 AC, और ठीक इसी तरह से आप कह सकते हैं कि M AB का मध्य बिंदु है यानी AB का आधा AM यानी AM बराबर 1/2 AB। तो इसको भी आप लिख लें AM बराबर 1/2 AB। ये भी दो कथन आपको मिले हुए हैं, इसको आप दो नंबर दे दें, दो क्रम दे दें। अब आइए देखिए जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है उसकी तरफ थोड़ा गौर कीजिए। आपको यहाँ पर दिया हुआ है BL का वर्ग धन CM का वर्ग और इसका 4 गुना, तो BL का वर्ग और CM का वर्ग यहाँ पर त्रिभुज में किस रूप में आपको दिख रहा है, देखिए ये BL है और यदि आप BL का वर्ग लेना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा ये देखना होगा। और दूसरी चीज़, CM दी हुई है, CM देखिए ये CM है। यदि आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि BL एक विकर्ण के रूप में त्रिभुज बनाता है, समकोण त्रिभुज BAL। आप देखिए ये समकोण है और इस समकोण के साथ यदि इस भुजा को आप जोड़ते हैं तो एक त्रिभुज बनता है, तो ये आपको मिलता है त्रिभुज ABL। ये आपको स्पष्ट हो रहा है, तो इस ABL त्रिभुज में A समकोण है तो आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABL में, समकोण त्रिभुज ABL में। आप यहाँ पर बोधायन का प्रमेय या पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए तो आप देखिए ये समकोण है और इसके सामने की भुजा जो BL है विकर्ण है, इस कारण BL का वर्ग AB वर्ग और AL के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए पहली जो चीज़ थी यहाँ पर BL वर्ग, वो आपको एक नए रूप में मिल रही है, तो आप इसको लिख लें कि BL का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AL का वर्ग। इस कथन को आप नाम दे दें कथन 3।
अब आप देखिए, दूसरी चीज़ आपके पास सीएम वर्ग है। आप सीएम को इस चित्र में देखिए, ये सीएम है, ये सीएम फिर से इस कोण ए के साथ एक नया त्रिभुज और बना रहा है, जिसे आप त्रिभुज एएमसी के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए समकोण है, बिंदु एम और बिंदु सी दो बिंदु हैं त्रिभुज के दूसरे, और यदि ए एम सी को आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें एम सी विकर्ण है। तो फिर आप कह सकते हैं त्रिभुज ए एम सी या समकोण त्रिभुज ए एम सी में, समकोण त्रिभुज ए एम सी में आपको मिलेगा, अब की बार ये विकर्ण हो जाएगा सी एम। तो आप लिख सकते हैं सी एम का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन ए सी का वर्ग। ए एम का वर्ग धन ए सी का वर्ग, इसे आप कथन चार कह सकते हैं। आप देखिए यहां पर इन दोनों समीकरणों को गौर से देखिए, तो आपको यहाँ पर बी एल का वर्ग जो मिला है, ए बी के वर्ग और ए एल के वर्ग के योगफल है। यहाँ पर जो ए एल है, इस ए एल के लिए आपने लिखा है कि ए एल बराबर एक बटे दो ए सी। यदि इस ए एल को हम ए सी से रिप्लेस करें तो ये जो हमें समीकरण तीसरा समीकरण मिला है, जो संबंध मिला है, उसको आप लिख सकते हैं बी एल का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन ए एल। ए एल की जगह पर आप लिख सकते हैं एक बटे दो ए सी, तो आपको मिलेगा एक बटे दो ए सी पूरे का वर्ग। और इसको आप यदि हल करें तो आपको एक बटे चार ए सी का वर्ग मिलेगा। ठीक इसी तरह से इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो ए एम है उसे आप एक बटे दो ए बी लिख सकते हैं। तो इससे ये जो कथन है आपको इस तरह से मिलेगा, सी एम का वर्ग बराबर ए एम के वर्ग की जगह पर आप लिखेंगे एक बटे दो ए बी का वर्ग। इसे आप लिख लें एक बटे दो ए बी पूरे का वर्ग धन ए सी का वर्ग। अब यदि आप इन दोनों को जोड़ लें तो आपको बायां पक्ष का ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, बी एल का वर्ग और सी एम का वर्ग। तो चलिए इन दोनों कथनों को हम आपस में जोड़ लें, तो आप इसको भी कथन तीन कह लें और इसको कथन चार कह लें। तो हम लिख सकते हैं कथन तीन और चार को जोड़ने पर हमको मिलेगा बायां पक्ष में बी एल का वर्ग धन सी एम का वर्ग। तो चलिए इसको जोड़ के लिखते हैं, बी एल का वर्ग धन सी एम का वर्ग। आपने दोनों कथनों को जोड़ा तो बायां पक्षों को आपने जोड़ के एक साथ लिखा। दाहिने पक्षों की तरफ देखिए तो आपको मिलेगा ए बी का वर्ग धन एक बटे दो ए सी पूरे का वर्ग। यदि आप इस कोष्टक को हटाएं तो आप इस एक बटे दो का वर्ग करेंगे तो आपको एक बटे चार मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको एक बटे चार ए सी का वर्ग धन, अब इनको आप लिख लीजिए यहाँ पर ठीक वैसी, देखिए इसकी तरह से एक बटे दो ए बी पूरे का वर्ग है, कोष्टक हटाएंगे तो आपको इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा एक बटे चार ए बी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। अब देखिए ए सी वर्ग यहाँ पर है और एक बटे चार ए सी वर्ग यहाँ पर है, एक बटे चार ए बी वर्ग यहाँ पर है और ए बी वर्ग यहाँ पर है। ये जो भिन्न में संख्या एक बटे चार के रूप में लिखी हुई है, इसे आप हटाने के लिए पूरे समीकरण में चार का गुणा कर दें। यदि आप चार से इस पूरे समीकरण को गुणा करें तो आपको मिलेगा, इसे हम पूरा लिख लें, चार का गुणा करें तो आपको मिलेगा, यहाँ भी चार का गुणा होगा तो आपको मिल जाएगा चार गुणित बी एल का वर्ग धन सी एम का वर्ग बराबर, यहाँ पर मिलेगा आपको चार ए बी का वर्ग धन, यहाँ पर चार से आप गुणा करेंगे तो एक बटे चार चार से कैंसिल हो जाएगा तो आप केवल आपके पास बचेगा ए सी का वर्ग धन, यहाँ पर भी आपके पास केवल बचेगा ए बी का वर्ग और ये हो जाएगा चार ए सी का वर्ग। अब आप देखिए चार ए सी का वर्ग यहाँ पर है और एक ए सी वर्ग यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पाँच ए सी वर्ग मिलेगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर चार ए बी का वर्ग है और यहाँ पर ए बी का वर्ग है, इनको भी आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा पाँच ए बी वर्ग। तो इस कथन को हम फिर से लिखें, चार गुणित बी एल का वर्ग धन सी एम का वर्ग बराबर चार ए बी वर्ग और एक ए बी वर्ग, ये हो जाएगा पाँच पाँच ए बी वर्ग धन ए सी वर्ग और चार ए सी वर्ग, ये हो जाएगा पाँच
ए सी का वर्ग। अब आप देखिए, जो परिणाम आपको पाना है आप उससे बहुत नज़दीक में है। बायां पक्ष आपको मिल गया है 4 गुणित बी एल का वर्ग धन सी एम का वर्ग, 4 गुणित बी एल का वर्ग धन सी एम का वर्ग मिल गया है, लेकिन आपको यहाँ पर 5 बी सी वर्ग दिख रहा है और यहाँ पर आपको 5 ए बी वर्ग धन ए सी वर्ग मिल रहा है। आप क्या करेंगे थोड़ा सोचिए, आपको पाना बी सी वर्ग है और आपके पास ए बी वर्ग धन ए सी वर्ग है। आप देखिए, सबसे पहले कथन के बाद आपने क्या लिखा था, बी सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग धन ए सी वर्ग। तो यहाँ जो आपके पास ए बी वर्ग और ए सी का वर्ग है उसको आप बदल सकते हैं, ए बी वर्ग धन ए सी वर्ग बराबर लिख सकते हैं आप बी सी वर्ग, लेकिन यहाँ पर 5 है तो अब एक काम कर सकते हैं, 5 चूँकि दोनों जगह है तो इसको आप उभयनिष्ठ निकालिए तो आपको मिलेगा 5 गुणित ए बी वर्ग धन ए सी वर्ग। अब आप देखिए, इस कथन के साथ मिलाइए, ए बी वर्ग धन ए सी वर्ग मिल गया जो बी सी वर्ग के बराबर है। आप सीधे यहाँ से देख सकते हैं कि ए बी वर्ग धन ए सी वर्ग समकोण त्रिभुज में बी सी वर्ग के बराबर होगा, तो इस पद को आप बी सी से रिप्लेस कर सकते हैं, बी सी वर्ग से, तो आपको मिलेगा 5 बी सी का वर्ग। अब आप देखिए, 4 गुणित बी एल का वर्ग धन सी एम का वर्ग यहाँ पर है आपके पास और ये आया बराबर 5 बी सी वर्ग के। तो ये कथन आपका सिद्ध होता है जो आपको उदाहरण 7 में सिद्ध करने को दिया हुआ था। एक बार फिर से आप इसको ध्यान से देखिए और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा।